हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। दोस्तों आज का जो हम लोग का ट्रिक है दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के प्रमुख देवी देवता को दोस्तों, है ना, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में कभी भी, है ना, कभी भी एग्ज़ाम में आए दोस्तों, आप जो है ऑप्शन से आसानी से उठा सकते हैं। ऐसा लॉजिकल ट्रिक बताएंगे, ठीक है, और केवल उन्हीं का ट्रिक देखेंगे दोस्तों जिनका ट्रिक बनेगा, है ना, ज़बरदस्ती किसी का ट्रिक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका जो सपोर्ट मिलता है दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। ऐसे ही दोस्तों आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए आज का जो है हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनजातियों के प्रमुख देवी देवता PDF, ठीक है। तो जनजातियों के प्रमुख देवी देवता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है दोस्तों मुड़िया, है ना, मुड़िया जिनको मुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके दोस्तों देवता है अंगादेव, ठीक है, याद रखिएगा अंगादेव। कैसे याद रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप मुड़ी को पकड़िए, मुड़ी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मुड़ी किसको बोलते हैं, सिर को बोलते हैं, मुड़ी, है ना, तो मुड़ी रहोती कर, ठीक है। तो मुड़ी और मुड़ी क्या है दोस्तों, शरीर का एक अंग है, है ना, अंगा, अंग, ठीक है। तो इससे आप आसानी से रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो मुड़ी क्या है, शरीर का अंग है दोस्तों और मेन हिस्सा है, ठीक है। मुड़ी क्या है, सिर जो है शरीर का मेन हिस्सा है, मेन अंग है, अंग शरीर का अंग है, शरीर से जुड़े हुए हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप अंगादेव आराम के साथ रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका उराव, उराव का दोस्तों कौन है, देवी सरना देवी, ठीक है। तो उराव सरना देवी कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए इनको ऑप्शन में उठाने का दोस्तों, ऑप्शन से उठाने का सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ उराव है और यहाँ पर सरना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक किस्म है धान का, ठीक है, धान का एक किस्म है सरना, स्वर्णा, है ना, स्वर्णा है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में लोकल में दोस्तों सरना बोलते हैं। का धान बोए जी, तो सरना धान मोहन, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। तो सरना धान, और सरना धान को दोस्तों खेत से लाने के बाद कोठार में उसको क्या किया जाता है, है ना, ओसाना, ओसाना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है, भूसा को अलग करने के लिए उड़ाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो उराव, उड़ाना, उड़ाना, ठीक है, तो उराव से उड़ना, उड़ाना, ठीक है। तो इससे आप सिंपल सा रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उरा, सरना को उरा, उड़ा, ठीक है, तो ये उराव, ठीक है, तो उराव सरना देवी, ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों, ठीक है। और आप माइंड में बैठाइएगा और ध्यान से सुनिएगा तो आराम के साथ एक ही बार में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैगा, ठीक है। तो बैगा का जो देवता है दोस्तों वो है बूढ़ा देव, ठीक है। तो कैसे रिलेट करेंगे, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बैगा में बैग है, ठीक है, और यहाँ पर बूढ़ा है, ठीक है। तो सिर्फ याद करवाने के लिए दोस्तों ऐसा बना सकते हो कि जो बूढ़ा है, बूढ़े को देखे होंगे आप, ठीक है, और एक झोला लटकाए रहते हैं, है ना, बैग लटकाए रहते हैं, तो बड़ा सा बैग, बड़ा, बूढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर बैग, बैग को लटकाए रहते हैं बूढ़े लोग, है ना। तो जो दादा लोग बूढ़ा हो गए हैं और वो हमेशा जो है बैग को लटकाए रहते हैं, बड़ा बैग, ठीक है, तो ये बैगा, बैग, और बूढ़ा, बड़ा, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं बैगा, बूढ़ा देव, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका देखिए कोरवा, है ना, कोरवा का जो देवी है दोस्तों खुड़िया रानी। कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कार, कोर, कार, कार, और यहाँ पर खड़िया, है ना, खड़िया, खुड़िया, ठीक है, तो रानी और खुड़िया रानी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार है और यहाँ पर खड़ी, तो कार खड़ी है, किन की खड़ी है दोस्तों, तो रानी की कार खड़ी है, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। कार, कोर, ठीक है, कोरवा, है ना, कोर में कार है और कार खड़ी है, किनकी खड़ी है, तो रानी की कार खड़ी है भाई, है ना, तो फरारी कार है, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, ऐसा याद करवाने के लिए है। कोरवा, कोर, कार और खड़ी है, खड़िया रानी, रानी की कार खड़ी है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कमार, ठीक है। तो कमार का जो देवी है दोस्तों छोटे माई, बड़े माई, ठीक है। तो कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए इनको याद करने का, है ना, इनको जो है ऑप्शन में उठाने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, एकदम लॉजिकल ट्रिक है। यहाँ पर कमा है, कमा, ठीक है, कमा, और यहाँ पर छोटे, बड़े, तो कमा, है ना, तो कमाने के लिए दोस्तों घर में जो छोटे हैं, बड़े हैं, सभी कमाते हैं, ऐसा तो नहीं दोस्तों कि कोई बैठ के रहता है, ठीक है। तो कमाना तो सभी को पड़ता है दोस्तों, चाहे छोटे हो या बड़े हो, है ना, चाहे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, है ना, बड़े होने के बाद दोस्तों सबको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो अपना पेट भरने के लिए सभी को कमाई करना पड़ता है, ठीक है। तो छोटे, छोटे हो या बड़े हो, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, सभी को कमाना पड़ता है। तो इससे आप आराम के साथ रिलेट करके देख सकते हो, कमा, कमा में कमार, है ना, और छोटे बड़े सबको कमाना पड़ता है, छोटे माई, बड़े माई, ठीक है। गोड़, गोड़ तो दोस्तों ये जनरली सबको याद रहता है, गोड़ दूल्हा देव, ठीक है। तो दूल्हा देव का बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। और गोड़ के बहुत सारे दोस्तों देवी देवता हैं, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, गोड़ बहुत बड़े जनजाति है दोस्तों, ठीक है, पूरे भारत में। तो इनका जो है ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके जो देवी देवता बहुत सारे हैं दोस्तों, दूल्हा देव, अगर मैं दूल्हा देव का ट्रिक बना देता हूँ दोस्तों तो नीचे कमेंट्स में आएंगे कि बहुत सारे हैं, है ना, तो यही है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
आ गया दोस्तों आपका परजा, ठीक है। तो परजा का जो देवता है दोस्तों डोंगर देव, ठीक है। तो डोंगर देव को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर परजा पारजा और यहाँ पर डोंगर डोंगा बना सकते डोंगा, ठीक है। तो पारजा, उस पार जाने के लिए है ना, पार जाने के लिए क्या चाहिए हमको, डोंगा चाहिए, ठीक है। तो डोंगा चाहिए भैया, डोंगा रहेगा तभी तो हम उस पार जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, तैरना आएगा तब तो तैर के चले जाएंगे, ठीक है। तो पार जाने के लिए डोंगा चाहिए, डोंगा डोंगर देव, ठीक है। पर जा पार जा पर जा पर जा, ठीक है। तो रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों, पार जाने के लिए डोंगा चाहिए, डोंगर देव, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन में उठाने का तरीका है, ठीक है। कंवर, कंवर का जो देवता है दोस्तों सग्रखंड, ठीक है। इसका ट्रिक दोस्तों मैं पहले भी बनाया हूँ, ठीक है। वो वाला वीडियो दोस्तों है ना उतना क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो है दूसरा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कंवर है ना, देखिए यहाँ पर वर है और यहाँ पर सग है, सग, ठीक है। तो वर संग वधु, शादी में देखे होंगे दोस्तों आप, वर संग वधु, वधु संग वर, यहाँ पर सग संग बना सकते हो, ठीक है, संग है ना। तो वर संग वधु, तो कंवर, कंवर में वर संग, सगराखंड में शग शंग, ठीक है। तो इससे आप दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन से उठाने का तरीका है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका भारिया, ठीक है। तो भारिया का जो देवता है दोस्तों बागेश्वर देव, भारिया जनजाति का देवता बागेश्वर देव, कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर भारी है, भारी, और यहाँ पर बागेश्वर में बाघ है। तो बाघ क्या है, एक भारी जानवर है दोस्तों, कई टन जो है मांस को उठा लेता है एक साथ, ठीक है। इंसानों का तो बात ही अलग है, ठीक है, इंसान को उठाने का बात ही अलग है। तो बागेश्वर भारी है भाई, भारी, ठीक है। तो बागेश्वर भागो, भारी, ठीक है। तो बागेश्वर, बाघ क्या है दोस्तों, भारी जानवर है ना, बहुत भारी जानवर है भाई, बहुत डर लगता है उससे। तो इससे आप रिलेट करके देख लीजिएगा, भारी है ना और भारी जानवर है, ठीक है। तो बागेश्वर देव, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, देखिए भतरा है ना, भतरा शिकार देवी है ना। तो देखिए इनको रिलेट करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, भतरा शिकार देवी कैसे रिलेट करेंगे। तो भतरा, इसको भतरा को आप खतरा, कहीं ना कहीं शब्द बन रहा है, भतरा खतरा, भतरा खतरा, शिकार करने जाएंगे जंगल में, ठीक है। तो खतरा रहेगा ही, खतरा बना रहेगा, ठीक है। तो भतरा खतरा और शिकार करने जाएंगे तो इससे शिकार देवी, ठीक है, आराम के साथ आप बना सकते हो दोस्तों, है ना। तो देखिए अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिंझवार, ठीक है। तो बिंझवार है ना, देखिए बिंझवार का है दोस्तों दो है, विंध्यवासिनी और बाराभाई बैठकर, ठीक है। तो देखिए विंध्यवासिनी तो सिंपल सा है दोस्तों, बिन विन, बिंझवार में बिन आ रहा है और विंध्यवासिनी में विन आ रहा है, बिन विन, ठीक है। अब देखिए बाराभाई बैठकर को कैसे बनाएंगे, तो देखिए बाराभाई बैठकर में दोस्तों बैठकर है, बैठकर बैठकर, ठीक है। और यहाँ पर बिन, हम लोग बिन बोलते हैं ना दोस्तों, है ना। तो क्या है, जो नीम का जो बीजा देखे हो, बिन अरे नीम के बीजा ला है, तो बिन मतलब दोस्तों उठाना है ना। तो बैठ के हम लोग उठाते हैं किसी भी चीज को, आम को बिनते हैं, महुआ बिनने जाते हैं, बिनने बिन आ रहा है ना, तो महुआ बिनते हैं दोस्तों। तो खड़े खड़े तो नहीं बिनते ना भाई, बैठ कर बिनते हैं ना मालिक, ठीक है। तो बैठ कर बिनते हैं, बिन, बिनने का काम किससे हो रहा है, बैठ कर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, बिंझवार बारह भाई बैठकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बारह भाई बैठकर, ठीक है। तो बिन, ठीक है, बिनने का काम हो रहा है भाई, बैठ कर हो रहा है भाई, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। अगला दोस्तों आपका कुरकू, कुरकू का आप देख लीजिएगा दोस्तों महादेव है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पारधी, ठीक है। तो पारधी का दोस्तों जो देवी है ना, सांवली देवी और छप्पन कोड देवी, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, है ना, कैसे याद करेगा इसको, देखिए यहाँ पर पारधी में रधी है, रध है ना, रांध, रध रांध, और रांध किसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ी में रांध है ना। तो खाना बनाना को रांध बोलते हैं, है ना, खाना बनाना हो तो आज मैं रांध हूँ, मैं रांधू मतलब खाना मैं बना हूँ, ठीक है, रांध। तो छप्पन कोड छप्पन भोग, ठीक है, रांध, छप्पन भोग खाना रांध, ठीक है, छप्पन भोग खाना बना, ठीक है, रांध, ठीक है। तो रांध रधी, ठीक है, रांध रधी, ठीक है, सिंपल सा है, सिर्फ याद करवाने के लिए है ना, देख सकते हो आप, ठीक है। पारधी, सावली देवी और छप्पन कोड देवी, ठीक है। देखिए मुंडा, मुंडा का दोस्तों, देखिए एक छोटा सा विनती है दोस्तों, है ना, ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों जंगल जंगल मेरे को रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि घर में दोस्तों नॉइज़ बहुत होता है, आवाज़ बहुत होता है, इसीलिए दोस्तों छोटा सा विनती है दोस्तों, वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तब, ठीक है। दोस्तों आपका मुंडा, ठीक है। तो मुंडा का दोस्तों जो देवता है सिंह बोंगा, हम लोग मुरिया या मुरिया पढ़े थे अंगदेव, ठीक है, तो उसमें दोस्तों मूड़ पढ़े थे, और यहाँ पर मुंडा है, दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो मुंडा और मुंडा दोस्तों आप देखे होंगे जब मुंडा होते हैं, है ना, सिंह, ठीक है, सिंह, ऐसा आप समझिए कि सिंह देखे होंगे, राक्षस को देखे होंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुंडा, जो मुंडा है उनके ऊपर में सिंह, ठीक है, तो सिंह आ गया उसके ऊपर में, दो सिंह आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे मुंडा और ये दो सिंह, ठीक है,
ये दो सिंह ऐसे बना दिए, ठीक है। तो ये मुंडा और ये दो सिंह आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा रिलेट करिएगा, है ना। तो ये मुंडा सिंह बोंगा है ना, मुंडा का जो देवता है सिंह बोंगा, ठीक है। सिंपल सा रिलेट करिएगा, ठीक है। तो मुंडा सिंह बोंगा, मुंडा मतलब गंजा, है ना, ठीक है। तो ये है ना, तो ये सिंह बोंगा। अगला है दोस्तों आपका नगेश्य, नगेश्य का आप देखिएगा दोस्तों गवरैया देवी, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका देखिए भील, ठीक है। तो भील जनजाति के जो देवता है दोस्तों काला बाऊजी, ठीक है। काला बाऊजी किनको बोलते हैं दोस्तों, ऋषभ देव को बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इनको दोस्तों ऑप्शन से उठाने का आसानी से ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भील है और यहाँ पर बाऊजी है, तो भील को हम लोग भेल बना सकते हैं, भेल, है ना, भेल पाव भाजी, भेल पाव भाजी, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है। अगर ये भी नहीं बनेगा दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये अपलोड नहीं होगा तो कैसे, देखिए यहाँ पर भील है ना, भील को बिल, है ना, और बिल देखेंगे दोस्तों, बिल जो है अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तो वो काला काला दिखता है ना, बिल तो अंदर दिखता नहीं है, काला एकदम अंधेरा रहता है, काला दिखता है, ठीक है। तो ये काला है ना, और बिल, बिल सांप का बिल देखे होंगे काला होता है, ठीक है, अंधेरा रहता है ना, हाथ मत डालिएगा कभी, ठीक है। तो ये ऐसा आप रिलेट करके देख सकते हो, है ना, काला होता है, काला बाऊजी, बिल, बिल से भील, ठीक है। कस्बा को आप देखिएगा दोस्तों बूढ़ी देवी है, और खारिया को भी आप देखिएगा बंदा देव है, ठीक है। दोनों का अगर ट्रिक हो सके दोस्तों तो आप कमेंट्स में भेजिएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, ठीक है, और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, है ना, आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी वृद्धि हुआ हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, सभी जगह, अपने ग्रुप में, है ना, अपने दोस्तों तक, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए, धन्यवाद।